गुड मॉर्निंग गाइज, आज है हमारा होंगकॉन्ग का डे टू और हम लोग सुबह उठ गए थे। अभी तो ऑलमोस्ट यहाँ के 3, 3:30, 4 बज रहे हैं, बट मॉर्निंग में मैंने हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करे। आज लेट उठे कल बिकॉज डिज्नी लैंड की वजह से बहुत थक गए थे। आज हम लोग सुबह पहले आए स्ट्रीट टेम्पल मार्केट जो यहाँ का है। अभी मार्केट बहुत शॉप्स ओपन नहीं हुई थी, कुछ कुछ थी, बट मतलब मज़ा आया। मैंने थोड़ा बहुत घूमे और चीज़ें देखी वहाँ पर, फोटोग्राफी करी, कुछ एक दो वॉचेस की शॉप देखी। अगर आपको सेकेंड हैंड प्रीमियम वॉचेस में इंटरेस्ट है तो मार्केट्स आर क्रेजी इधर। मतलब बहुत प्रोडक्ट्स है काफ़ी आपको, मतलब अगर सेकेंड हैंड वॉचेस टूडो या फिर आप रोलेक्स वगैरह ले रहे हैं तो 30-40% कम में मिल जाती है, जो यूज रहती हैं, बट ऑब्वियसली उसका वैल्यू फिर भी रहता है बिकॉज ऑफ वाइट गोल्ड या इवन येलो गोल्ड में भी रहती है। अभी हम लोग आए हैं यहाँ स्काई 100 ऑब्जर्वेटरी में, जिसका व्यू ऐसा है कुछ। अबे तेरा स्पाइडी सेंस ट्रिगर नहीं हुआ? इसका टिकट ऑलमोस्ट है, डायरेक्ट साइट से बुक किया है इसकी, जो ऑफिशियल साइट है उससे, तो आज इतना बुक किया है तो ऑलमोस्ट 2 लोगों का 3500 रुपये के आसपास, 3600 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, उतने में गया है। और व्यूज़ बहुत है, बहुत ही टच। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कल चल चल के मेरे शूज़ ने मेरी बैंड बजा दी थी, इसलिए आज मुझे मजबूरी में यहाँ एक नए शूज़ लेने पड़े। तो मैंने लिए है Air Max 90, सॉरी कुछ इस टाइप से लग रहे हैं शूज़। बताना मुझे कमेंट्स में कैसे लग रहे हैं शूज़। ये नाइकी का शोरूम से लिया है, कोई ऐसा स्ट्रीट मार्केट से तो नहीं लिया है, बट अभी थोड़ा एक कैफे है यहाँ पर, इन्जॉय करते हुए खाएंगे कुछ व्यूज। ओके गाइस, अगर आप पता नहीं मुझे देख सकते हैं नहीं, बट मेरे पीछे का व्यू आपको होपफुली दिख रहा होगा। हम विक्टोरिया हार्बर जहाँ पे वो सिम्फनी ऑफ लाइट शो होता है, ये मेरे पीछे देख सकते हैं। मैं एक्चुअली दूसरी फुटेज अटैच कर रहा हूँ फ़ोन की और DSLR की। गुड मॉर्निंग गाइज, और ये पेट्रोल के रेट पढ़ लो आप, आई थिंक 23। यहाँ पे डीजल ऑलमोस्ट $23.7 था। तो जैसे आपने थोड़ी देर पहले देखा यहाँ पे ना, मैंने आपको डीजल बताया शेल का पेट्रोल पंप था, वहाँ पे डीजल $23.7 था। $23 यानी 230 रुपये पर लीटर। हमारे यहाँ डीजल इंडिया में अराउंड 87-85 चलता है, 87-86 अभी करंटली। बट लंबोर्गिनी उरुस किसको देखने का शौक है, तो मेरे पीछे भाई हर्षित 4 करोड़ की कार खड़ी है पीछे। सीरियसली ऐसे इधर नॉर्मल स्ट्रीट्स पे ऐसी ऐसी कारें आपको एकदम कॉमन दिखने वाली है ना। अब 230 रुपये का अगर ये लोग डीजल पर लीटर बाय कर रहे हैं, इमेजिन कर लो यहाँ लोगों की इनकम भी कैसी होगी। आज हम लोग जा रहे हैं विक्टोरिया पीक, जो आपने देखा होगा ना कि ऐसे पीक पे एक ऐसी ट्रैम चलती है, ऐसे एक इंक्लाइंड ऐसी ट्रैम वो वाली जगह पे। इस समय हम लोग विक्टोरिया पीक में जो ट्रैम चलती है उसके प्राइजेस कुछ ऐसे हैं। $108 में, यानी कि ऑलमोस्ट 1200-1300 रुपये में आप आना जाना कर सकते हैं, और $76 का वन वे है, कुछ ऐसा दिखेगा। हम लोग तो आने जाने के ही ले रहे टिकट, पहले से नहीं लिया क्योंकि ये टाइम पे ले लेते। $108 1200 रुपये, जो कि आई थिंक कुछ 5 to 10 minutes की एक राइड रहती है ऊपर तक पहुंचाने के लिए। मैम आ चुकी है हमारी, बहुत गंदा भी रॉन्ग निकल सकता है। इधर ले ना, इधर से चलेगी। चलेंगे तो अपन मूविंग फॉरवर्ड के डायरेक्शन में रहेंगे, रात दिन पीछे।
जो ट्रैम खत्म होती है उसके बाद जो फुटेज, और यहाँ पे ना एक मैडम तुसाद म्यूजियम है जो अपने बाकी कंट्रीज में भी सुना होगा। तो इधर वाला हम लोगों ने टिकट तो अभी तक लिया नहीं है, बट आई थिंक परचेज सेम डे टिकट्स परचेज करके देखते हैं। आ गए हम लोग अंदर, टिकट पड़ी है 299 हांगकॉन्ग डॉलर्स की, यानी 3200 रुपये ऑलमोस्ट 3200-3300 इंडियन रुपीज़ की। और थैंक यू, नो फोटोज प्लीज। पापरा जी मैंने यहाँ पे पेमेंट कार्ड से किया है, तो हांगकॉन्ग डॉलर्स में ऑप्शन रहता है, तो हमेशा हांगकॉन्ग डॉलर, जो कंट्री आप जा रहे हो उसी कंट्री की करेंसी सिलेक्ट करना पैसे कट होने के लिए डेबिट कार्ड के लिए, वरना डबल चार्ज लगता है। अराउंड 6378 सर। ओ हाँ, गए हम लोग अंदर, उधर ड्वेन जॉनसन भी दिख रहा है, SRK भी हैं बट काफ़ी यंग वाले SRK हैं, एंजेलिना जोली, ब्रैड पिट, यंग वाले शाहरुख खान। और सीरियसली यार, टेक्सचर और बाल तो एकदम रियल लग रहे हैं, संभव करेंगे इसमें। आप देखो फाइन डिटेल्स कितनी, एकदम दांत भी रॉक भैया के रियल ही है भाई। कितना लंबा है भाई, अगर मैं इसके बाद में खड़े रहूँगा ऐसे लगने वाला। नेक्स्ट जो हमारे कैरेक्टर हैं, एक हमारे बैटमैन अमरावती में है मानव, और एक बैटमैन ये रहे, हेलो पैटिनसन भैया। अगले हैं हमारे और भैया, हेलो हेम्सवर्थ भाई। ओ भाई ये भी बहुत लंबा है यार, ये तो बहुत ही लंबा है, ये 6'4" 6'5" होगा। ये है क्वीन एलिजाबेथ, कब वापस करोगे सब सामान। और इसी के साथ मोदी जी भी आ गए हमारे साथ, मोदी जी के साथ एक भी हो जाए। और इधर है हमारे पास ट्रम्प सर, रॉयल फैमिली वाले। इधर शी जिनपिंग, और ये क्या दिख रहा है हमें यहाँ, सलमान भाई वांटेड से भी पहले, ये सलमान भाई नहीं है, ये सलमान भाई आई थिंक काफ़ी पहले के सलमान भाई बिग बॉस में, कब बुलाओगे। और हम लोग यहाँ पे ऊपर पहुँच गए, यहाँ से व्यू बहुत ज़बरदस्त है, बस यार इधर का ना हमेशा ही देखा है एक चीज़, इधर काफ़ी ना फॉग और बादल, फॉग नहीं बोल सकते बट काफ़ी क्लाउडी रहता है, तो ना दूर दूर तक का व्यू कैमरे में कैप्चर नहीं होता है। और इस टाइम हम लोग आ गए हांगकॉन्ग के दूसरे आइलैंड में, ये ट्रैम स्टेशन जहाँ से चलती है ना अभी, अब इसमें हम लोगों को जाना है दूसरी जगह, तो वो ट्रैम में ऐसे बैठ के जाएंगे भाई, इंटरेस्टिंग है। और यहाँ हम लोग बैठ गए इधर की लोकल ट्रैम, हर टाइप का लोकल ट्रांसपोर्ट ऑलमोस्ट हमने ट्राई कर लिया है, कैब बस मेट्रो, और ये फर्स्ट टाइम ट्रैम। तो देखिए यहाँ से व्यू कुछ ऐसे है बाहर से, $3 मैंने $33 में, और ये चलती बनी हमारी मेट्रो ट्रैम। हाँ नहीं नहीं नहीं, अभी टर्न होती है बाकी। फिर देखिए हम यहाँ पर ट्रैक से नीचे, और ऐसा हर्षित का कहना है कि हम लोग गलत जा रहे हैं, और पता नहीं हमने उसे ट्राई करने के लिए कर ली, अभी टर्न होगी बाद में, देखो वहाँ से वापस टर्न होगी। यार यहाँ के स्ट्रीट्स का वाइब ना बहुत सही है, बहुत सही है। ये हांगकॉन्ग बाय द वे मेन आइलैंड है, अगर मैं रिमाइंडर दे दूँ। ओवरऑल हम लोग ना एक चीज़ जितनी देखी है ना, यहाँ का ओवरऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त है, सिर्फ टैक्सीज, हाँ टैक्सीज लेने में थोड़ा सा एक बस कभी कभी दिक्कत होता है, स्पेशली ऊबर ऐप में। तो मुझे आज तक, मैंने 3-4 बार बुक करी है बट अब तक एक भी बार बुक नहीं हुई, बुक हो गई है बट वो आने में इतना टाइम लगा था ना, 15-20 मिनट, कि आप वैसे ही फ्रस्ट्रेट होकर कैंसिल कर देते हो, तो फिर वो है। बट हाँ ये इसने टर्न लिया यहाँ से, एक चीज़ है ये डेफिनेटली मेट्रो से बहुत स्लो है, लेकिन एक एक्सपीरियंस के लिए, अगर आपको एक ऐसा जस्ट सिटी का एक्सपीरियंस लेना है कि कैसे मार्केट्स हैं, तो उसके लिए अच्छा है।